गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अवर टू डेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास अटेंड करेंगे. एंड हिंदी की क्लास में आज हमारा क्या टॉपिक है देखिए, अ से ज्ञ तक लिखें. आज हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है? अ से ज्ञ तक. डेली मैम ने आपको हाफ हाफ करके प्रैक्टिस करवाई है, थोड़ा थोड़ा करके. देखिए मैम ने आपको रिवीजन करवाया था ना, लास्ट क्लास में भी हमने प से ज्ञ तक कंप्लीट किया था. ये कंप्लीट होने के बाद फिर आज हमको अ से ज्ञ तक राइट डाउन करना है. आज हमको पूरा राइट डाउन करना है, ठीक है? तो हम आज पूरा राइट डाउन करेंगे. ये वक्त आपको अपनी नोटबुक में करना है. आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो को वॉच किया है, मैम ने बोला था ना नोटबुक में ये वक्त कंप्लीट करना है, हमें कहा था ना. तो ये ज्ञ तक आपने कर लिया है. अब आज भी आपको अ से ज्ञ तक ये भी आपकी हिंदी वाली नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम करना स्टार्ट करेंगे. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ओ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली. ओ से ओखली, इसके बाद क्या आता है? मैम को भी याद नहीं आ रहा है, आपको भी याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत. तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे औ से औरत. ये देखिए, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर. उसके बाद दो बिंदी का आह, ये हमने कंप्लीट कर लिया है अ से ह, लेकिन हमें अ से ज्ञ तक कंप्लीट करना है. तो अब हम यहाँ पर क से कबूतर की लाइन स्टार्ट कर देंगे. तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे क से कबूतर की लाइन, ये पूरी लाइन राइट डाउन करेंगे. उसके बाद क से कबूतर के बाद काई की लाइन आती है स्टूडेंट्स, च से चम्मच. तो हम यहाँ पे च से चम्मच की लाइन राइट डाउन करेंगे. च से चम्मच के बाद कौन सी लाइन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स? ट से टमाटर वाली. तो हम ट से टमाटर राइट डाउन करेंगे. क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली लाइन. उसके बाद त वाली लाइन, ठीक है? त से तरबूज वाली लाइन. फिर उसके बाद बताइए स्टूडेंट, प से पतंग वाली. फिर य से यज्ञ वाली. फिर श से षटकोण वाली, ठीक है? मैम ने आपको सारी लाइंस बता दिए, अब इन लाइंस को आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैम ने आपको पहले भी रिवीजन करवाया है. देखिए मैम ने आपको कब से रिवीजन करवा रहे हैं ना, अ से अह तक करवाया था. उसके बाद फिर कौन सा करवाया था, ये देखिए स्टूडेंट, क से न करवाया. क से न के बाद प से ज्ञ करवाया, और आज हम कर रहे हैं अ से ज्ञ. तो इसकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी होगी ना स्टूडेंट्स. सो आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके? ये आपके एग्जाम्स में आएंगे फिर, ओके? आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, रिटर्न में भी और ओरल में भी. इसका ओरल भी आपको वर्क कंप्लीट करने के बाद, नोटबुक क्लोज करने से पहले करना है. आपका वर्क फिनिश होने के बाद एक बार आप इसका ओरल करेंगे, फिर आप नोटबुक को क्लोज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स? So thank you, have a nice day.